आओ मिलकर दाम लगाया जाए, या तो तुम जीतो या तुम्हें हराया जाए और इसी बहाने कुछ पैसे कमाया जाए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वेजरिंग एग्रीमेंट की। बट उससे पहले वेजरिंग एग्रीमेंट में कौन से एलिमेंट होंगे, क्या उसके एसेंशियल फीचर्स होंगे, और इन डेप्थ जाने से पहले सारे एग्जाम्पल और केस लॉ कोट करने से पहले जो मैंने आपको स्टेटमेंट दिया ना, उस पर जरा काम करने की जरूरत है। हमने आपसे शुरू में बोला आओ मिलकर दांव लगाया जाए, ये पूरा जो कोट हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है, इसी पूरे कोट में वेजरिंग एग्रीमेंट सर फिनिश ऑफ होगा। ध्यान से समझना, हमने कहा आपसे आओ मिलकर, मिलकर मतलब होगा मिनिमम टू पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात क्लियर है, आओ मिलकर। फिर हमने बोला दांव लगाया जाए, सर यहां पे दांव का मतलब वेजर से है, जो वेजर होता है उसकी मीनिंग होती है दांव लगाना, तो आओ मिलकर दांव लगाया जाए, या तो तुम जीतो मतलब या तो तुम जीतो या तो तुम्हें हराया जाए। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे पास दो पार्टी का होना इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल टर्म दो पार्टी का होना है। दूसरा टर्म हमने बोला है कि मिलकर दांव लगाना मतलब वेजर होना इंपॉर्टेंट है, स्पेकुलेशन लाइक सट्टा लगाना पड़ेगा। तीसरा हमने बोला या तो तुम जीतो या फिर तुम्हें हराया जाए, मतलब विनिंग एंड लूज दोनों कंडीशन अवेलेबल होगी। और उसके आखिर में हमने बोला और इसी बहाने कुछ पैसे कमाया जाए, मतलब साफ है हमारा जो मेन पर्पज़ है वो मनी और मनी वर्थ है, मतलब हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इवेंट क्या होने वाला है, बारिश होगी नहीं होगी भाड़ में जाए, वो घनन घनन गिर गिर आए बरसा, लगान पिक्चर देखी ना आपने, बारिश वहाँ पे इवेंट मैटर कर रहा था, बिकॉज बारिश होगी तो किसानों के खेतों को पानी मिलेगा। बट यहाँ पे लाइक वेजरिंग एग्रीमेंट में इवेंट मैटर नहीं करता, अगर कुछ मैटर करता है तो क्या, मनी और मनी वर्थ। तो जस्ट एक बार फटाफट सम अप करते हैं, दो लोगों का होना इंपॉर्टेंट है, वेजर होना चाहिए सट्टा, या फिर आप कहिए वो लगना चाहिए कुछ ऐसा, है ना, कि भाई लगे किसी पे हम पैसे लगा रहे हैं, और कंडीशन क्या, या तो विन या तो लूज दोनों ही पार्टी के लिए सेम अवेलेबल होगा, और मेन प्राइमरी फोकस इस पर होगा सर पैसे कमाने पर, इस पर नहीं होगा कि इवेंट क्या हो रहा है। अब मान लो कोई पानी का जहाज आ रहा, दो बंदे खड़े, भाई बता डूबेगा कि नहीं डूबेगा, दूसरे वाले बोला अगर डूबा तो मैं तुझे इतने पैसे दूंगा, ये बोलता अच्छा नहीं डूबा तो मैं तुझे इतने पैसे दूंगा, मतलब साफ जहाज के डूबने पे फर्क नहीं पड़ रहा, इनके 50-100 रुपए में ही सारा काम चल रहा है, मतलब करोड़ों का जहाज ये 100 रुपए में वेजर नेचर से उसको निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले कि वेजिंग एग्रीमेंट इन डिटेल होता क्या है, कौन से सेक्शन को बोले, सेक्शन 30 है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बट इन डेप्थ फिर भी ड्राइव करेंगे, और बात वही है कॉपी पेन लेके बैठो, जैसे बताता चलो नोट करते चलो, इसके बाद एक पॉइंट और भी बताना है आपको। चलिए शुरू करते हैं, वेजिंग एग्रीमेंट सेक्शन 30 में बोला गया है, जो पॉइंट अंडरलाइन करूंगा आप भी लिख के अंडरलाइन कर लेना, इट इज एन एग्रीमेंट, ऑब्वियस बात है एग्रीमेंट है, इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी। तो जो हमने बोला हमारा फोकस इवेंट में ना हो कि किस पे होगा, पैसा पैसा सर, सम ऑफ मनी अपॉन द डिटरमिनेशन ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। अच्छा इवेंट कैसा होना चाहिए, अनसर्टेन होना चाहिए, पानी का बरसना जहाज का डूबना अनसर्टेन, मतलब सर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो कौन सी मूवी थी यार, नाम इमरान हाशमी की, नाम बताना, जिसमें वो जब भी जाता है तो पैसे कमा लेता है। हाँ कमेंट नहीं, मत करना कमेंट यार, लोग कहीं क्या पढ़ा रहा है टीचर ये, है ना, लाइक वो कैसा, हाँ जन्नत, यस, जिसमें वो सट्टा लगा रहा होता है ना, तो इवेंट वहाँ पे भी इस बात सिक्स मारेगा नहीं मारेगा वही बात है। द एसेंस ऑफ अ वेजर इज दैट ईच साइड शुड स्टैंड टू विन और लूज। सर ईच साइड मतलब साफ है दोनों ही पार्टी यहाँ पे जीत भी सकती हैं और हार भी सकती हैं, लेकिन इमरान हाशमी वाले केस में वो सिर्फ जीत ही सकता था, क्यों, हीरो था सर और क्यों, और डायरेक्टर ने बोला था तुम जीतोगे। डिपेंडिंग ऑन द वे एन अनसर्टेन इवेंट टेक प्लेस इन द रेफरेंस टू विच द चांस इज टेकन एंड द अकरेंस ऑफ विच नाइदर ऑफ द पार्टीज है लिजिमेट इंटरेस्ट, दोनों ही पार्टी का इवेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, सिर्फ इंटरेस्ट किस बात पे होगा, पैसा कितना आ रहा है, या तो एक पार्टी जीतेगी या तो दूसरी पार्टी हारेगी, बात स्टेटमेंट देखिए भाई, एक जीतेगा तभी दूसरा हारेगा। चलो चेंज करते हैं लाइन को, एन एग्रीमेंट बाई वे ऑफ वेजर इज वॉइड। सर वॉइड क्या है, जिन बच्चों ने मेरी वो कॉन्ट्रैक्ट वाली वीडियो नहीं देखी एक लाइन में डिस्कस करता हूँ, वैलिड वॉइड वॉइडेबल, जहाँ दोनों पार्टी केस कर सकें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ दोनों पार्टी दूसरे पे केस नहीं फाइल कर सकती वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ एक पार्टी फाइल कर सकती है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आसान शब्दों में 201 वैलिड
void, voidable. आई होप आपको ये भूलेगा नहीं कभी. चलो बात करते एग्जाम्पल की. इफ इट रेन्स, ए बोलता है भाई अगर बारिश हुई मैं तुझे इतने पैसे दूंगा. इफ इट डज नॉट रेन तो बी बोलता है ए को भाई अगर बारिश नहीं हुई तो मैं तुझे इतने पैसे दूंगा. मतलब इवेंट मैटर नहीं कर रहा, मैटर क्या कर रहा है वो वेजर, मतलब वो सट्टा लगाना. वो एक तरीका है कि जहां पर हम विन करेंगे या लूज करेंगे और हम ये देखेंगे कि अगर हम जीतते हैं तो आप पैसे हमें दोगे, अगर आप जीतते हो तो हम पैसे आपको देंगे. चलिए आई होप वेजिंग एग्रीमेंट क्लियर है. तो स्टार्टिंग लाइन क्या थी, ध्यान है भाई, सिंपल सी बात है, आओ मिलकर, है ना. तो ये याद रखना आप. और क्या करना है हमें, हमें कहीं के सोचना इस बारे में कि कौन सा इवेंट होगा और इवेंट में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होने वाला. हमारा पूरा का पूरा फोकस किस पे, पैसे पे सर, कितना होने वाला है. चलो एसेंशियल्स ऑफ अ वेजर, सर वेजर का एसेंशियल क्या है. पॉइंट नंबर वन, देर मस्ट बी प्रॉमिस टू पे मनी और मनी वर्थ. लाइन क्लियर, पैसा या पैसे के बराबर. जैसे पहले के टाइम में लाला लोग जो होते थे पुरानी पिक्चरों में, वहाँ पे कैसे दिखाया था कि लाला लोग क्या करते थे, ज़मीन के कागजात ले लेते थे अगर वो सामने वाला बंदा उनसे हारा तो, है ना, क्योंकि पहले पैसे कम हुआ करते थे. मतलब मनी वर्थ. सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, प्रॉमिस मस्ट बी कंडीशनल ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट. प्रॉमिस कंडीशनल होना चाहिए. मान लो हसमुख लाल ने दुखियारी लाल से एक इवेंट किया कि भाई दुखियारी लाल अगर तेरा घर जल गया तो मैं तुझे इतने पैसे दूंगा. मतलब समझ रहे हो, इसमें हसमुख लाल का इवेंट में इंटरेस्ट है, पैसे में नहीं है. उसका इंटरेस्ट बात में इसका घर जल जाओ. मान लो दुखियारी लाल दिमाग से इतना ढक्कन है, बोलता भाई अगर मेरा घर नहीं जला तो मैं तुझे इतने पैसे दूंगा, और पता लगा घर जल गया, और वो भी प्री प्लान के थ्रू. मतलब साफ है वेजरिंग एग्रीमेंट में जो हमने पॉइंट डिस्कस किया है, इवेंट कैसा होना चाहिए, साइड में नोट कर लो, अनसर्टेन इवेंट. कभी भी लॉ पढ़ने के लिए दो बातें हमेशा ध्यान रखना, पहला एग्जांपल, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ चाहे कोई पढ़ा रहा, अगर एग्जांपल नहीं कोट किया जा रहा तो रट्टाफिकेशन से लॉ किसी को आज तक नहीं आया. तो आप ध्यान रखो एग्जांपल. दूसरा जो उसके मेन एलिमेंट हैं वो एग्जांपल से टच होने चाहिए. जो हमने स्टार्टिंग एग्जांपल दिया उस पूरे एग्जांपल में हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि पूरा वेजिंग एलिमेंट इन्वॉल्व कर दूँ, एंड आई बिलीव कि आपको समझ आया है. थर्ड पॉइंट, देर मस्ट बी अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए. नेक्स्ट, देर मस्ट बी टू पार्टीज, आओ मिलकर, है ना, मिलकर टू पार्टीज, एंड ईच पार्टी स्टैंड टू विन और लूज, और दोनों ही पार्टी जीत भी सकती हैं हार भी सकती हैं. देर मस्ट बी कॉमन इंटेंशन, इंटेंशन कॉमन होना चाहिए, है ना. ये नहीं कि आपका इंटेंशन कुछ हमारा इंटेंशन कुछ, तो सर अगर ऐसा है तो वेजर किस बात का. वेजर तब होगा जब हमारा आपका इंटेंशन सेम होगा. पार्टी शुड हैव नो इंटरेस्ट इन द इवेंट एक्सेप्ट फॉर स्टेक. मतलब साफ है पैसे से मतलब है, बाकी इवेंट क्या हो रहा है हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो अभी तक हमने क्या कवर किया, वेजिंग एग्रीमेंट होता क्या है, उसके कौन से एसेंशियल्स हैं. अब जरा हम बात करें कुछ केस लॉ जो इसमें हमें रिफर किया जा सकता है, और साथ के साथ वो एसेंशियल नेचर्स और कौन से एग्जाम्पल कोड हो सकते हैं वेजिंग एग्रीमेंट में. तो फटाफट से नोट कर लिया होगा आपने, अब आओ स्टार्ट करते नेक्स्ट पार्ट को. आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट ध्यान से सुनो, उसको कॉपी में नोट भी कर लेना और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना. देखो वेजिंग एग्रीमेंट की जब बात है कि मान लो आपके पेपर में क्वेश्चन बना जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर बेस्ड है, वहां कहीं ये नहीं लिखा गया कि एक वेजरिंग एग्रीमेंट है. सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सर पहचानने का सिंपल सा तरीका है. अगर वो पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये लगता है कि ये इट्स अ गेम ऑफ चांस, कॉपी में नोट कर लो, कमेंट में लिख देना, इट्स अ गेम ऑफ चांस, तो समझ लेना ये एक वेजरिंग एग्रीमेंट है. बट अगर वो पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्किल और नॉलेज है तो वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होगा. मतलब थोड़ा इसको सम अप करते हैं, अगर गेम ऑफ चांस होगा तो वॉइड होगा, अगर वो गेम ऑफ स्किल होगा या नॉलेज पर बेस्ड होगा. जैसे कोई एथलीट्स है, जो कभी भी वो एथलीट करता है तो हमको लगता है वाओ कैसे किया होगा इसने, तो भाई साहब वो वेजिंग एग्रीमेंट कतई नहीं है, वो एक फुल फ्लैग्ड वैलिड एग्रीमेंट होगा. क्लियर पॉइंट. आओ डिस्कस करते हैं उन ट्रांजैक्शन के बारे में जो वेजर है, मतलब गैम्बलिंग सट्टे की बात हो रही. सबसे पहला पॉइंट आता है लॉटरी ट्रांजैक्शन, बिकॉज लॉटरी ट्रांजैक्शन क्या है, इट्स अ गेम ऑफ चांस, तुम भी जीतोगे हम भी जीतेंगे कोई भी जीत सकता है. सेकंड, क्रॉस पजल गेम. सर यहाँ पे एक केस लॉ है, बुक जरूर देख लेना, बुक देखने में कंजूसी मत करना. मैं हमेशा बोलता हूँ आईसीए का मॉडल प्रेफर करो, उससे ज़्यादा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं कोई भी किताब. तीसरा पॉइंट, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन. सर सट्टा लगेगा तो गैम्बलिंग हो ही गई, अगर गैम्बलिंग हो ही गई तो भाई वेजर है, वेजर एग्रीमेंट क्या कहलाएंगे, वॉइड नेचर के. नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन, मॉडल रीड करना, 5 लाख एंड अबव के बारे में कुछ और लिखा गया है ध्यान से पढ़ लेना. 5 लाख रुपए तक की बात हो रही है, वेजिंग इवेंट में इन्वॉल्व करना ही करना है, उससे अबव जा रहे हैं
है तो मॉडल जरूर रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, नॉट वाइट ट्रांजेक्शन, ऐसे ट्रांजेक्शन जिनकी शक्ल तो कुछ ऐसी ही लगती है कि वेजर नेचर के हैं बट फिर भी ये वॉइड नहीं है। वॉइड क्यों नहीं सर? बिकॉज वेजिंग एग्रीमेंट के साथ हमने क्या वर्ड यूज करा, इट्स अ गेम ऑफ चांस। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है विन लूज की, पॉसिबिलिटी है, कोई भी दिमाग नहीं लगाना, इवेंट पर फोकस नहीं है, पूरा का पूरा फोकस पैसे पर है। बट यहाँ पे लाइक ये लगेगा वैसा लेकिन ये वॉइड नहीं है बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन स्किल या फिर नॉलेज। आसान शब्दों में जरा मुझे बताओ, अगर आपने शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, सट्टा नहीं लगाना, इन्वेस्ट करने हैं, तो विदाउट नॉलेज विदाउट स्किल आप क्या ज़्यादा पैसे कमा पाओगे? जो इंडिया के शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले बंदे हैं वो ऑलरेडी चार्ट अकाउंटेंट हैं, है ना, झुंझुनवाला जी। तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए, स्किल और नॉलेज दोनों वर्कआउट करेगी। ठीक ऐसे ही आप अगर जिसे चिटफंड की बात करते हैं तो यहाँ एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जो ये डिसाइड करेंगे कि फिक्स सम ऑफ मनी वो वहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो चिट फंड सुनने में तो लग रहा है लेकिन फिर भी वॉइड नहीं है। सेकंड, शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन ऑब्वियस ही बात है, ब्रोकर है इन्वेस्टर है, यहाँ पर दोनों को शेयर मार्केट की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ब्रोकर के पास क्या होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, सो दैट वो पैसों को इन्वेस्ट करके आपको रेट दिला सके। थर्ड आता है गेम ऑफ स्किल, सर एथलीट्स की बात होगी तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे अक्सर लोग बोलते हैं विराट कोहली भाई साहब कमाल कर गया, नहीं कमाल नहीं कर गया, उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी और वो उस फील्ड के लिए बना था, उसने वो काम करा बहुत। देखो क्या होता है, एक बात बताना चाहूँगा, सक्सेस स्टोरी को थोड़ा सा अवॉइड करना अपनी इस सीए की जर्नी में, रीज़न बता देता हूँ। बिकॉज हर जब आप भी सक्सेस होगे तो आपके पास भी मस्त स्टोरी होगी। मुझे कई बार लोग बोलते सर अपनी सीपीए की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए, मैं बोलता हूँ क्या फ़ायदा, एक साल हो गए यूट्यूब पर बट आज तक कभी भी हमने अपने बारे में डिस्कस नहीं किया, बिकॉज अभी ऐसी कोई सक्सेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अचीव भी नहीं की है। 45,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, बट फिर भी किसी की सक्सेस स्टोरी, कोई भी सक्सेस होगा ना, जब आप भी होगे तो एक स्टोरी क्रिएट हो जाएगी मेरे भाई, है ना। वो कैसा शाहरुख खान बोलता है, जिस चीज़ को तुम शिद्दत से चाहो, समझ रहे हो ना। चलो अब आपके मॉड्यूल में, आईसीआई के मॉड्यूल में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वर्सेस वेजरिंग एग्रीमेंट दिया हुआ है, तो टास्क समझना, आपको इसका डिफरेंस पढ़ना है। अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस पे फिक्स है, अगर आपने मरीन इंश्योरेंस ले रखा है जब वो डूबेगा तो पैसा मिलेगा, मतलब फोकस पैसे पे ना हो कि फोकस कहाँ शिफ्ट हो गया, इवेंट पर शिफ्ट हो गया। अच्छा मुझे कमेंट में जो मैंने स्टार्टिंग में बोला ना वो लिख के बताना और अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लेना। बहुत सोच के तो डिसाइड किया था आपको कौन सा स्टेटमेंट ऐसा दूँ, कि पहले मैं ऐसा क्लास में नहीं पढ़ाता था, क्लास में कोई और एग्जाम्पल लेता था, बट आज कैसा हुआ वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा, एक्चुअली लेट भी हो गया, आपको मैंने टेलीग्राम पर बताई था कि मैं आपकी लॉ की कॉपी चेक करता रह गया। हेड्स ऑफ, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, दो तीन कॉपियाँ मैं ज़रूर टेलीग्राम पर पोस्ट करूँगा। बट एक मिस्टेक रही, मुझे आप सबसे शिकायत है उस बात की, कल रात 12 बजे के आसपास भी मैंने आप में से मेजॉरिटी लोगों से, अगर आपको पता हो मालूम हो मुझे कमेंट जरूर बताना उस चीज़ को, मेजॉरिटी लोगों से इंस्टाग्राम पे मैंने मैसेज करके पूछा क्या आपने कल शाम की 6 बजे वाली क्लास बिजनेस लॉ वाली पूरी देखी थी, तो आप में से बहुतों ने कहा नहीं सर पूरी नहीं देख पाए थे। मत करो ऐसा, क्यों? क्योंकि कल की क्लास में हमने बोला था पेपर कैसे देना है, उसके बावजूद मेजॉरिटी ऐसी निकली जिसने की एक्सपेक्ट को अंडरलाइन नहीं किया। कमाल है, क्लास मिस मत करो, कोशिश करो पूरी क्लास देखो, डेटा बचाओ, काम लगाओ, है ना। तो मॉड्यूल से आपको क्या पढ़ना है सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और वेजिंग में डिफरेंस, और ये क्लास कवर होने के तुरंत बाद पढ़ लीजिएगा। अभी मैं आपकी नेक्स्ट क्लास रिकॉर्ड करने चाहूँ इकोनॉमिक्स की और 10 वीक इकोनॉमिक्स क्लास जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले डिफरेंस जरूर पढ़ लेना। मॉड्यूल में बहुत ही चंगे तरीके से दिया गया है, देख लो यार, है ना, बहुत ही शानदार तरीके से डिफरेंस लिखा हुआ है। डिफरेंस इतना बड़ा मत पढ़ना, अच्छा सर बुक में पढ़ के छोड़ना नहीं, कॉपी पेन लेना और जो पॉइंट्स हैं ना उसको बहुत सेंट्रलाइज करके नोट डाउन जरूर कर लेना। केस लॉ ये लिखा हुआ है सर, क्रॉस वर्ल्ड पजल के पास में है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे केस लॉ दिया गया है, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडी, ये मैगजीन में निकला हुआ था इसलिए केस लॉ बना 1957 में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब का था 1872, कई साल बाद बना था। बट फिलहाल आपको क्या करना है समझ आ चुका है, डिफरेंस के ईमानदारी से पढ़ लेना। तो मिलता हूँ आपसे 10 बजे इकोनॉमिक्स क्लास में, और तब तक के लिए शानदार तो रहो, लेकिन यार ये वाला काम ना समझ रहे हो ना, कर जरूर लेना। चलो मिलता हूँ रात को 10 बजे।